अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी वजीहा इकबाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे। प्रीवियस व्लॉग में हमने मकाम बदर, मकबरा शहदाए बदर, मस्जिद अरीच, बहर रुहा वैल, बहर शिफा वैल, इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत की थी। इस व्लॉग में भी मैं आपको मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करवाऊंगी। आपने मेरे साथ रहना है। जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। हम जाने लगे हैं मकाम अहद पर। A few moments later. दुनिया भर से आने वाले आशिके रसूल इस पहाड़ की ज़ियारत को अपने लिए बाइस शर्फ समझते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद पहाड़ जन्नत के चार पहाड़ों में से एक पहाड़ है। हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है। एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ओहद पर चढ़े तो पहाड़ हिलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ पहाड़ रुक जा, ठहर जा। ऐ ओहद, तुझ पर एक नबी है। तो वो वही रुक गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहाड़ महज एक पहाड़ ही नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा में इस्लामी तारीख का एक तारीखी और जुग्राफियाई लैंडमार्क है। जबल ओहद मदीना मुनव्वरा के शुमाली जानिब में वाकिया है। ये 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर है। मैं आपको जंग ओहद का वाकिया सुनाती हूँ। यहाँ पर जंग ओहद में मुसलमान मुशरिकीन मक्का के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। तकरीबन मुशरिकीन मक्का 35 के करीब कत्ल हो चुके थे। तब मुशरिकीन मक्का ने देखा कि मुसलमान जीत रहे हैं, तो मुशरिकीन मक्का भागना शुरू हो गए। जब मुसलमानों ने देखा कि ये भाग रहे हैं और हम फतह हासिल कर रहे हैं, जबल रुमा के ऊपर 50 तीर अंदोज पर मुश्तमिल सहाबा थे। ये सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़ियादत में मौजूद थे। उन्होंने जबल रुमा छोड़ दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन्हें मना किया, इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फतह देख कर जबल रुमा ये छोटी छोटी छोड़ दी। यहाँ से जंग का पासा पलट गया। तब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने एक मुशरिकीन लश्कर की क़ियादत की हुई थी। जब उन्होंने देखा मुसलमानों ने जबल रुमा वाली पोजीशन छोड़ दी है, तो उन्होंने जबल ओहद की उसी तरफ से आकर पीछे से जबल रुमा के ऊपर चढ़कर हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी शहीद किया और उनके साथ मौजूद दूसरे सहाबा थे उनको भी शहीद किया। यहाँ से इस तरह जंग का माहौल तब्दील हो गया और बाजी जीतने के बदले हारने में तब्दील हो गई। इस जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा सैदा शहदा शहीदों के सरदार भी यहीं पर शहीद हो गए और उन्हें शहीद किया एक वहशी ने जो कि ग़ुलाम था हिंद के पास अबू सुफियान की बीवी के पास, जो हिंद थी उसके भाई चचा बाप का गज़वे बदर में कत्ल हुआ था। इसलिए इसने बदला लेना था। इसने इस वहशी को वादा दिया था कि अगर तुम जाकर हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शहीद करके इनका जिगर निकाल ले आओगे तो मैं इसे छुपाऊंगी और तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। अल्लाह अकबर। इस वहशी ने हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शहीद किया और इनका जिगर निकाल कर ले गया। जंग में जो सहाबा यहाँ पर शहीद हुए थे, मुशरिकीन मक्का ने किसी के हाथ किसी के कान शहीद कर दिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस जंग में 70 सहाबा कराम शहीद हुए और फिर यहीं पर उनकी तदफीन हुई। अल्लाहु अकबर। A few moments later. चले जी, अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट जियारत की तरफ। अब हमारा काफिला जा रहा है खजूरों के बाग, फिर उसके पास जाएंगे। आज हम जिस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो ईरानी नस्ल थे, आए आज उनके बाग की जियारत करते हैं। ये जो बाबरकत बाग आप देख रहे हैं, इस बाग के जो दरख्त लगे हुए हैं, इसी जगह पर आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से 300 दरख्त लगाए थे। जो आप देख रहे हैं ये इस बाग की एंट्रेंस है। यहाँ से हम अपने अजीज व करीब के लिए खजूरें खरीदेंगे। यहाँ पर एक मार्केट बनाई गई है। चले जी, हमने खजूरें खरीद ली हैं। अब मैं आपको इस बाग को दिखाती हूँ और इस बाग का वाकया सुनाती हूँ। ये जो बाग आप देख रहे हैं, इसकी निस्बत हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा से है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक कुरैश से तो छोड़ें, अरब से भी उनका ताल्लुक नहीं था। इसके बावजूद आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हम में से हैं, ये अहले बैत में से हैं। आज हम इस बाग की ज़ियारत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या वाकियात थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, उन्हें धोखे से ग़ुलाम बनाकर बेचा गया था और जिस शख्स के पास बेचे गए थे वो इस बाग का मालिक था।
और जब भी आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसे मुलाकात होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कहते थे कि अपने आका से अपनी आज़ादी की बात करो। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते थे, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ देने को नहीं है, मैं किस तरह अपनी आज़ादी की बात करूँ। लेकिन जब आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कई मरतबा दोहराई तो हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने आका से बात की कि मैं अब आज़ादी लेना चाहता हूँ। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आपकी क्या शरायत हैं? तो मालिक ने यह शर्त रखी कि आप मुझे 40 ओकिया सोना और 300 खजूर के दरख्त लगा कर दोगे, जब वो फलदार होंगे तब मैं आपको आज़ाद कर दूँगा। तो हज़रत सलमान फ़ारसी बहुत ज़्यादा मायूस हुए कि इतना ज़्यादा सोना और 300 खजूर लगाना और इनकी देखभाल करना, ये मैं कैसे करूँगा। तब सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात की, या रसूलुल्लाह, ये माजरा है, ये शरायत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप उनकी ये शर्त कबूल कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को कहा कि अपने भाई की मदद करें। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी मदद की और 300 दरख्त पूरे हो गए। जब आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथों से 300 दरख्त लगाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान ये हुई कि खजूर का दरख्त जो 3 साल बाद फल देता, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ की बरकत से उन पौधों ने इसी साल फल दिए। इस तरह एक शर्त पूरी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं से छोटा सा पत्थर आया सोने का। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, आपने वो मुझे दिया और कहा कि जाओ अपने आका को इसे अदा करो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने इसमें से 40 ओकिया सोना अदा किया और अपनी आज़ादी हासिल की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यूँ इस बाग को हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निस्बत है। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने अगले मकाम की तरफ। मस्जिद क़िबलतैन जा रहे हैं, वहाँ पर मैं आपको मस्जिद क़िबलतैन भी दिखाऊंगी और उसका वाकिया भी बताऊंगी। A few moments later. ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद क़िबलतैन है। एज यूजुअल मेरा गोलगप्पा, मेरा नूर हरम भी मेरे साथ है, तो हम यहाँ नफल नमाज अदा करेंगे। मस्जिद क़िबलतैन मदीना मुनव्वरा के मोहल्ला बनू सलमा में वाकिया है। ये दो क़िबलों वाली मस्जिद है। चलें जी, अब चलते हैं मस्जिद क़िबलतैन के अंदर, वहाँ की आपको ज़ियारत करवाती हूँ। अव्वल हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस था। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा को कहते हैं। मुसलमानों का क़िबला भी वही था और यहूदियों का क़िबला भी वही था, लेकिन यहूदी मुसलमानों को ताने दिया करते थे और कहते थे कि हो तो मुसलमान लेकिन क़िबला एक ही इस्तेमाल करते हो। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यही ख्याल रहता था कि हमारा क़िबला खाना काबा हो। 2 हिजरी में पुराने नमाज तब्दील क़िबला का हुक्म आया। आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने नमाज के दौरान बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा से काबे की तरफ मुंह फेर लिया। एक नमाज 2 मुख्तलिफ काबों की तरफ मुंह कर पढ़ी गई, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन यानी 2 क़िबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा ही रहे थे कि कुरान मजीद की यह आयत नाजिल हुई जिसका तर्जमा यूं है, हम देख रहे हैं बार बार आपका आसमान की तरफ मुंह करना, तो हम ज़रूर आपको फेर देंगे इस क़िबले की तरफ जिसमें आपकी खुशी है, तो अभी आप फेर दीजिए अपना चेहरा मस्जिद हरम की तरफ। इस आयत के नाजिल होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत नमाज में ही चेहरा मुबारक मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया, इसीलिए इसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। चलें आए, मैं आपको मस्जिद क़िबलतैन की ज़ियारत करवाती हूँ। यहाँ पर दोनों फर नमाज अदा करेंगे और उसके बाद दुआएँ करेंगे। जिस बहन भाई ने मुझे दुआ के लिए कहा है, अल्लाह उनकी हर जायज़ दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नवाफिल नमाज अदा कर ली है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब हम वापस जाने लगे हैं मदीना शरीफ की तरफ, और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।